दोस्त मुल्क चीन के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार होने वाले जदीद तरीन जंगी तैयारी JF-17 थंडर की पूरी दुनिया में धूम है। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान की दिफाई शोबे में खुद इन्हसारी और चीन के साथ दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में पैदावार के आगाज के बाद पहली बार 23 नवंबर सन 2009 को ये जंगी तैयारे पाक फिजाइया के हवाले किए गए। पाक फिजाइया सन 2010 के अवाइल से JF-17 थंडर लड़ाका जहाजों के मुकम्मल स्क्वाड्रन के साथ पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की निगरानी कर रही है। The number 2 multi-role squadron, call sign MinHas of Pakistan Air Force, are proud to present the pride of Pakistan, JF-17 Thunder. अब इस तैयारी में JF-17 Thunder 2 और 3 भी शामिल हैं। जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अमरीकी F-16 जैसे जंगी तैयारी को चैलेंज करता नजर आ रहा है। इसी तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 4 भी अपनी बेमिसाल सलाहियतों और महारतों की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग के शोबे में बेमिसाल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो ऐसे जंगी तैयारे बनाने की महारत रखती है। पाकिस्तान में तैयार होने वाले दुनिया के ये बेहतरीन तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के माहिर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मैकेनिकल स्टाफ की पेशावराना महारत का मजर है। कामरा में पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने चीन के ताउन से चौथाई सदी से भी कम अरसे में JF-17 थंडर की तैयारी का हदफ हासिल करके एरोनॉटिकल की दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया है। JF-17 थंडर की तैयारी में जदीद तरीन मशीनों पर दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारे इंतहाई महारत से मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के मराहिल से गुजरते हैं। शीट मेटल वर्कशॉप में जदीद तरीन CNC मोल्डिंग मशीनों पर तैयारे के पुर्जे बनाए जाते हैं। इन पुर्जों की जांच पड़ताल का एक मरबूत कंप्यूटराइज्ड निजाम वजा किया गया है जहां इनकी निगरानी बेहतरीन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए की जाती है। पुर्जों की डिजाइनिंग, कटाई और इन्हें इनके साइज में ढालने के बाद मुख्तलिफ कीमियाई मराहिल से गुजारा जाता है। यूं बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद पुर्जों की फिनिशिंग का काम जदीद तरीन मशीनों पर किया जाता है।
JF-17 थंडर तैयारी के मुकम्मल होने के बाद इसे टेस्टिंग के मराहिल से गुजारा जाता है। यहाँ तैयारे के इंजन की पाइपिंग और केबल की असेंबलियां नस्ब करके फ्लाइट टेस्टिंग स्टेशन पर ले जाने से कबल यकजा किया जाता है। फिर तैयारे फंक्शनल सूरत इख्तियार करके उड़ान भरने से कबल कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स से बाहर लाए जाते हैं, जहां माहरीन इनका मुआयना करते हैं। कामरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में तैयार होने वाला JF-17 थंडर हर किस्म के मौसमी हालात में जमीन और फिजा में अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला तैयारा है। JF-17 थंडर की लंबाई 14.97 मीटर है। इसके पर की लंबाई 9.46 मीटर है। ऊंचाई 4.77 मीटर और JF-17 थंडर का वजन 6411 किलोग्राम है। JF-17 थंडर तैयारा 3000 किलोमीटर की रफ्तार से सफर कर सकता है और 50,000 फुट तक उड़ान भर सकता है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 थंडर ने पेरिस एयर शो के दौरान दुनिया का सबसे अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम करवाया। JF-17 थंडर ने तवील तरीन उल्टी परवास करके राफेल तैयारी समेत सबको पछाड़ दिया। सोल में दुबई एयर शो में बेमिसाल जादुई मुजाहरा करके JF-17 थंडर ने नए आलमी रिकॉर्ड कायम करते हुए शायकीन और माहिरीन के दिल जीत लिए। JF-17 थंडर तैयारी की परवाज का एक मुजाहिरा कतर एयर शो में भी हो चुका है, जिस पर कतर के शेख तमीम इब्ने हमद अल थानी ने इसकी दिल खोल कर तारीफ की और इसकी खरीदारी में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। JF-17 थंडर का दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से मुकाबला किया जाता है। JF-17 थंडर जमीन पर दुश्मन की निगरानी और जमीनी हमले के साथ फिजाई लड़ाई की बहुत उम्दा सलाहियत रखता है।